हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी वैल्यू नॉलेज पे, जहाँ पे हम आपके लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो है इलेक्ट्रिक शॉक लगने पे इंसान की बॉडी जो है वो दूर क्यों फेंकी जाती है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा और बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो हमारी बॉडी जो है वो अपने आप दूर फेंकी जाती है। तो इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है वो आज हम आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। तो जब भी हमको इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो भारी मात्रा में हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उन पर अटैक होता है, जैसे हमारी नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट। इस सिचुएशन में हमारे हार्ट बीट भी बढ़ने लगते हैं और हमारे बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है। ऐसे टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपने बॉडी को उसकी तरफ खींचती है, लेकिन हमारी जो बॉडी होती है उसमें अचानक इतना सारा फ्लक्चुएशन होने की वजह से वो नेचुरली अपने आप को इस चीज से दूर ढकलना चाहती है। यानी हमारे जो मसल्स होते हैं वो भारी मात्रा में सिकुड़ने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और इसकी वजह से वो अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी से जो है वो अलग करना चाहते हैं और वो प्रतिरोध करते हैं इस चीज को। तो इस टाइम पे दो चीजें होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अपनी बॉडी को उसकी तरफ खींचती है, लेकिन हमारी बॉडी उसे प्रतिरोध करती है, उसे दूर ढकेलना चाहती है। और इसमें बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, बहुत सारा बल प्रोड्यूस होता है, और जब भी हमारे बॉडी को एक थोड़ा सा डिसरप्शन मिलता है, यानी थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन आता है और हमारे बॉडी को अगर चांस मिल जाता है अपने आप को सेपरेट करने का, तो वो इस इलेक्ट्रिक करंट से है जो है वो छुटकारा पाती है, उसे दूर ढकलती है, और ऐसे में बहुत बड़ा फोर्स क्रिएट होता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो दूर फेंकी जाती है। और आपने ये भी नोटिस की रहेगी कि बहुत सारे लोगों को एक छोटे यानी बहुत ही कम टाइम के लिए एक बड़ा झटका लगता है, उनकी बॉडी जो है वो दूर फेंकी जाती है। वैसे करंट लगने से उनको कुछ होता नहीं है, लेकिन जब वो दूर फेंके जाते हैं तब उनके कहीं पे भी लाइक सर पे, ब्रेन पे उनको डैमेज होता है, और उसकी वजह से उनको भारी मात्रा में उनको इंजरीज होती है, और इसकी वजह से कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। तो आपको ऐसे सिचुएशन में यही ध्यान रखना है कि अगर आप कोई आदमी को ऐसे देखते हैं कि उसको इलेक्ट्रिक करंट लगा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो कभी भी दूर फेंका जा सकता है। तो आपको ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट करना है जिससे उसको इंजरी नहीं हो और वो एकदम सेफ रहे। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से याद करके रखो, क्योंकि हो सकता है कहीं पे एग्जाम या इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमारे चैनल पे हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैल्यूबल नॉलेज शेयर किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके टेक्नोलॉजी से लेके हेल्थ तक और जीके से लेके करंट अफेयर्स तक बहुत सारी जानकारी देख सकते हो। तो दोस्तों, हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते रहो, हमारे वीडियोस को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी, और वो भी एक ही चैनल से। तो ये वीडियो में बस इतना ही था, जल्दी मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।